हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट ब्राइटनिंग एंड डार्क स्पॉट्स रिमूवल रेमेडी। और गाइस, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएंगे, ग्लोइंग बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो गाइस, इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके पहले ही यूज़ में आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और क्लियर हो गई है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी मिल्क पाउडर की। मिल्क पाउडर हमारी स्किन को नेचुरली वाइट एंड ब्राइटन करेगा, साथ ही साथ क्लियर करेगा। मिल्क पाउडर आप इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद मिल्क पाउडर के बाद हमें चाहिए राइस फ्लावर। राइस फ्लावर भी हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के साथ साथ हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। एक्ने पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, तो वो भी ठीक होती है। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए पोटैटो, यानी एक आलू। सो आलू भी हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा। अगर हमारी स्किन में जैसे पिंपल्स होने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो भी दूर होंगे। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो आलू लिया उसको अच्छे से आपको धोकर छिलकर अच्छे से इसका जूस निकालना है। तो जूस निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको कद्दूकस कर रही हूँ। आप इसे मिक्सी में पीस कर भी इसका जूस इजीली निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैं एक छलनी की हेल्प से इसको जो जूस है अच्छे से छान लूँगी। तो गाइस, आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हमारी स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स है, पिंपल्स होने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसकी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो वो दूर होती है। तो मैंने यहाँ पर आलू का रस निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि अब हमें इसकी रेमेडी किस तरीके से बनानी है। इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर हमारी स्किन को क्लियर करेगा, हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। उसके बाद हमें चाहिए राइस फ्लावर। आपको 1 चम्मच राइस फ्लावर ऐड करना है इसमें, यानी चावल का आटा। और उसके बाद मैं इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच पोटैटो जूस ऐड करूँगी, यानी आलू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स, डार्क स्पॉट, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेमेडी है स्किन वाइटनिंग वो एकदम रेडी हो चुकी है। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके की रखनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो गाइस, अब बात करते हैं कि अब हमें इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है। आप कुछ भी यूज़ करें अपने फेस पर, जो भी फेस पैक, जो भी क्रीम यूज़ करें, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने से क्या होता है कि आपकी स्किन से जो भी डस्ट होती है, डर्ट होती है, वो रिमूव हो जाती है। और आप जो भी अपने फेस पर पैक अप्लाई करेंगे उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीका, आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन होगी। तो आपको अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने से हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारी स्किन में अच्छा नेचुरल ग्लो आता है। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। और चावल का आटा और मिल्क पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बनाने के लिए। और इसमें मैंने आलू का रस ऐड किया है जो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को, एक्ने पिंपल्स को, दाग धब्बों की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, कितनी ज़्यादा शाइनी नज़र आ रही है। तो आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में अपनी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग हो गई है, साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई है। तो गाइस, आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। इसमें मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होते ही हैं। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।